एवरीवन, वेलकम बैक टू पमिक दुनिया ब्लॉग में। तो जी हाँ, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी दोपहर से। तो अभी मैं कुछ सब्जी लेकर आई थी, तो फटाफट इनको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब तक सब्जी क्लीन नहीं होती है ना, एक टेंशन सी बनी रहती है, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है बाहर पड़े पड़े, जब तक फ्रिज में ना जाए तब तक। 600 की ये सब्जी है, कोई कहेगा कि 600 की सब्जी है? महंगाई इतनी बढ़ गई और उल्टा यहाँ पे इतना और महंगा है। इधर तो मतलब दिवाली में इतना महंगा बेटा, अभी भी बहुत महंगा है, मतलब विश्वास नहीं हो रही थी। थोड़ी सी सब्जी 600 की है, सोचो मतलब पेमेंट आते कब गायब हो जाता है, समझ में नहीं आता। भगवान की दया से हमें जो भी मिला बहुत मिला है, अभी 10 रुपए बचा है बस। मैं यही सोचती हूँ कि जिसके पास नहीं होगा वो कैसे क्या करते हुए यार, मतलब पूछने वाली बात है कि महंगी क्यों है चीज। बहुत तेज भूख लगी है, और सुबह सैंडविच बनाई थी तो मैं तो सैंडविच खाई नहीं, क्योंकि ब्रेड कम पड़ गया। मैं पापा को बोलती हूँ, 2 ब्रेड ले गया, नहीं उनको तो मतलब लगा जैसे बड़ा बड़ा तो हो जाएगा, पर वैसे भी आज मुझे चूड़ा दही खाने का मन कर रहा था, तो आज मैंने चूड़ा दही खा लिया। फिर भी हम लोग सैंडविच बना दिया, फिर भी ब्रेड लाए हैं, तो बच्चा हुआ अभी मेयोनीज, तो वो शाम को बनाएंगे खाने के लिए। शाम को तो टिक्की बनेगा, देखूंगी। थकान जैसा हो गया, एकदम भाग भाग के भागा, इसका दिन बहुत ज्यादा हेडेक बहुत ज्यादा। सो गाइस, इधर लंच की तैयारी चल रही है, मम्मी इधर पापड़ सेक रही है। फिर आप लोग बताओ, आप लोग सेक कर खाते हो या तल कर? मुझे तो सेक कर अच्छा लगता है ना, बनो इसको तलते भी है। हाँ, मुझे ना सेक हुआ अच्छा लगता है, लिज्जत पापड़, यम्मी यम्मी। ठीक से सेकते नहीं किनारा सेका हुआ तो है ये, पता है ये पापड़ ना बहुत 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 पुराना है, ये बहुत पुराना। जब हम लोग छोटे थे ना, तो उस टाइम जब घर में कोई पार्टी वार्टी होती थी किसी की सगाई, जिससे पहले सगाई क्या होता था, घर में आपस में हो जाता था, तो ये वाला पापड़ जरूर आएगा यार, मतलब इतना टेस्टी हो रही है। मैं कोई ना ऐड नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए बता रही हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ मैं ऐड कर रही हूँ। ये फिर जो मैं खाऊ वो ही आप ही खाओ, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी खाओ। बहुत बड़ा प्लेट लाई हो, आज प्लेट ही नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ गई सारी। चलो इधर देख रहे हम लोग मैच, पता नहीं कौन सा टीम का चल रहा है। हमारा आज का लंच पापड़, ये अचार, डाबर का हनी अचार, ये सीसी है उसकी, बस मैंने इसके अंदर चाट फिल कर दी है, और ये भी है नमक। ये इसके पापा का इतना फेवरेट अचार है ना, खा खा के ना पेट खराब कर लिए है, इतना कौन खाता है। कितना काम बाटे हो? बहुत ही काम बाहो, हम क्या करें? कितना काम? बहुत ही बा। कितना बहुत ही बा? अभी देखा, अभी अलमीरा साफ करते, अलमारी है, अलमीरा साफ करते नहीं, तो करा बाद ना फिर सब्जियां धो ले बनी, उस सब्जियां हम रख फ्रिज में, ओकर बाद करा बाद हाउ बा देखा हो जाए, खनवा बनल बा तू साफ तो होई, खाली खनवे खाई हूँ, खाली खनवे खाई सफाई होला हो बाबू, ही वो भी होई, बहुत ही काम बा हमारा जी में। आए है कान मार दिया मम्मी, कान फाड़ दिला तू, अरे कैसे बोलने को बोल नहीं दिया, कैसे बोलते है कान फाड़ दिया को, रहुआ कान फाड़ देनी। हाँ, रहुआ कान फाड़ देनी। हम बताओ तो नीचे ऊपर बड़ा बढ़िया बा, एकदम मस्त बा, पता भाई कितना के हो? 150 के हो? ना ना, 10,000 के हो। एक नमो का हो गुप, हम बच्चन लोगों के जिंदगी में भी बड़ा टेंशन बा हो। हाँ वो तो बोल रही मैं, ये हम लोग क्या बोल रहे पता नहीं, बंगाली बोल सकते, बंगाली केरला वाला अपना कौन सा लैंग्वेज होता है, केरली, तमिलनाडु, तमिल, उड़ीसा, हाँ, पंजाबी, हम क्यों नहीं बोल सकते,
हरियाणवी है ना, हम क्यों नहीं बोल सकते? पुणे में शर्म क्या है? थोड़ा ध्रुव को बुला तो कैसे बोलते है? तने तू बोला तभी है। ए बचुआ मैं ना बोला था, बोला। हाँ बच्चिया, हम नहीं थे शर्मा, हम नहीं थे शर्मा, हम शर्मात नहीं खे, हम नहीं थे। एक ना आवे बिहारी। ओ चलो कोई बात ना। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेज में पता ही क्या डाल रखी है इसमें, बिहारी में बोला समझ नहीं पाएंगे नहीं, बिहारी में बोला इसमें ना लिक्विड डिश वॉशर है और इसके अंदर है डेटॉल। तो ये मैं डाल के मैं जैसे ये जो मेरा स्लैब ये और इसको पानी से पोछूंगी रात को, उसके बाद इससे दो बार पोछूंगी तो इससे क्या होता है ना, जैसे क्लीन कर लेती हूँ तो उससे क्या होता है कि कीड़े उड़े नहीं मतलब आते नहीं, जैसे चींटी उटी होती है। मैंने काफी दिन से इसको ट्राई किया है, काफी अच्छा है। फालतू आप बाहर से जो पता नहीं क्या क्या लेकर आते हो यूज करने के लिए, उसे अच्छा आप ये वाला यूज कर लो, या फिर डिटॉल की जगह विनेगर, विनेगर भी डाल सकते हो, अच्छा खासा काम पड़ता है। तो मैं खैर डिटॉल ही डालती हूँ, तो ये मैं क्लीन कर लेती हूँ है ना। तो खाना तो बन गया, सबने मुझे छोड़कर सबने डिनर भी करे और मुझे बिहारी बोला। अब मुझसे पूछे भी नहीं कि तुम खाओगी कि नहीं खाओगी, तीनों ही खा लिए देखो। वाकई में ये चॉपर बहुत काम का है। इससे पहले मैं वंडर सेफ का मंगाई थी, इतना घटिया यार, इतना घटिया, इतना उसको प्रेशर देना पड़ता था, दबाना पड़ता था, एंड उसको पैक करके ये चॉपर स्टार प्लस से इधर आया है, गोपी बहू का चॉपर। मेरे तरफ से इसको ना मैं 5 में 10 दूंगी, 5 में 10 सोचो इतना बढ़िया है ये, और इसकी कीमत मात्र 150 रुपया। तो गोपी बहू 150 रुपए में बिक जाएंगी फिर तो। तो अभी इस टाइम रात का जो मेरा टोटल काम होता है वो खत्म हो चुका है, सबको मैंने डिनर करा दिया, और अभी मेरी जो सब्जी धुली हुई थी दोपहर में वो सूख चुकी है, तो इनको एक एक करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। और ये वाला जो नेट वाला जो पैकेट है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले मैं बॉक्स में रखती थी तो सब्जियाँ ना अजीब सी हो जाती थी, लेकिन इसमें क्या है कि काफ़ी दिनों तक सब्जियाँ चली जाती है, मतलब सेफ रहती है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइज, आज ही नेक्स्ट डे और आज का ब्लॉग में स्टार्ट करी दोपहर से। तो अभी मैं यहाँ पे भर रही हूँ पानी, यानी ये एक ना एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है मेरे लिए। आपको पता है यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, तो मैं तकरीबन 10-12 स्टील का वाटर बॉटल रखी हूँ, उसी में मैं पानी भर के रखती हूँ, ताकि कब पानी आए ना आए कंडीशन कोई नहीं जानता। जैसे कि कल पानी नहीं आया था, और मेरा पानी शाम होते होते ना ऊपर वाला ऊपर की टंकी का वो ख़त्म हो गया था, नीचे की टंकी का था ही, लेकिन ऊपर की टंकी ख़त्म होगा तो आर ओ चलेगा नहीं, दिक्कत ये भी है। तो इसको बंद कर देती हूँ, तो इसीलिए मैंने सारा बोतल ये कैंपर यहाँ पे ये किचन का ये 2-3 मैंने यहाँ रखा है, एक कैंपर रखा है भरने के लिए, और एक 20 लीटर का एक और है, तो उसको मैं अभी नहीं भरती हूँ, क्योंकि अभी 2-3 महीने से पानी थोड़ा सा ठीक आ रहा था, लेकिन सडनली कल नहीं आया, और पीने का पानी अलग से भर के रख देती हूँ। तो ये होता है एक्स्ट्रा काम मेरे लिए, पानी भरो और हर 2-3 दिन पे पूरे बोतलों को धो। तो और सुबह पता है सुबह क्या हुआ, सुबह ना मतलब इतना बड़ा नुकसान हो जाता है मेरा, सुबह सुबह उठकर मैं जैसे उठी ब्रश करने के लिए, जैसे वॉश बेसिन में अपने जैसे कुल्ला वगैरह करते हैं ना, तो वो मैं करने के लिए गई ना, वैसे ही मेरा कान का खुल के उसी में गिर गया, और मतलब वो लूज है, और मुझे मना किए थे आपके भाई साहब कि उसको नहीं पहने नहीं तो गिर जाएगा, लेकिन मैं पहन ली थी कि चलो यार मतलब दबा देती हूँ नहीं गिरेगा। मैं दिखाती हूँ कौन सा ये देखो, तो ये वाला इयररिंग मैं जो मायके से लेकर आई थी, ये वाला लूज हो गया है, पता नहीं कैसे, इतना मैं इसको पहनी भी नहीं, ये लूज हो गया है, ये खुल जाता है बार बार, ये दूसरी बार गिरा है, और इसीलिए मैं इसको अब खोल कर रख देती हूँ। अगर ये नहीं मिलता ना, अगर मान लो अगर मैं कहीं बाहर होती या फिर नहा रही होती तो ये तो सीधे नाली के अंदर ही जाता, मिलता भी नहीं, तो शुक्र है कि ये वॉश बेसिन में गिरा तो ये मिल गया। इसको रख दूंगी मैं और ये वाला पहनूंगी जो मैं इस बार दिल्ली गई थी घर पर, तो ये मैं बनवा कर लाई थी, ये काफ़ी प्यारा प्यारा तो दोनों ही है, लेकिन ये लूज होगी, इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसे रहेगा नहीं, मैं या फिर आई उसे कोई तो पहनेगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है, काफ़ी लाइट वेट है और आराम मिलता है इसको पहनने में, चुप तो अब तो नहीं है, हालांकि ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइट है, कानों में दबता है। फिलहाल तो मैं इसी को पहनूंगी, और वो वाला जब घर जाऊंगी तो बनवाऊंगी, अगर नहीं मिलता ना तो मेरा अच्छा खासा 20-25 हज़ार का नुकसान हो जाता।
तो माता रानी की कृपा से मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया, क्योंकि 25-30 हज़ार कम नहीं होता है, कुछ मायने रखता है यार इतना पैसा। तो फिलहाल मैं अपने ब्लॉग का ये एंड करती हूँ, और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, चाहे मैं कितना भी अच्छा वीडियो क्यों ना बना लूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।